friends, my name is Apeeksha and welcome back to your channel Beauty, Home and Ideas. दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 must have organizers के बारे में. अब आप चाहे एक working woman हो या एक homemaker हो, चीजों को अगर आप organize करके रखेंगी तो वो आपको time पर भी मिल जाएगी और घर साफ सुथरा सुंदर भी लगेगा. तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो ये है हमारा पहला ऑर्गेनाइज़र. इसे मैं मेकअप ऑर्गेनाइज़र की तरह ही काम में ले रही हूँ. आप चाहें तो इसे कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र की तरह भी काम में ले सकते हैं. ये काफ़ी सॉलिड, स्टर्डी, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक मटेरियल से बना हुआ है जो कि देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है और सारा मेकअप इसमें से विजिबल भी है. तो आइए अब हम इसको इन डेप्थ देख लेते हैं. ये 2 पार्टीशंस में आता है. अब आप चाहें तो इसे एक के ऊपर एक रखकर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको एक के पास एक एडजेसेंट ऐसे लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं. दोनों ही तरीके से ये काम में आ जाएगा. अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इस तरह यूज़ कीजिए. मैं भी इसको इसी तरह से यूज़ करती हूँ. ये दोनों फिसलते नहीं हैं आपस में. जो ऊपर वाला सेक्शन है वो इस नीचे वाले सेक्शन में फिट हो जाता है. यहाँ पर बाउंड्री बनी हुई है इसको इसमें फिट करने के लिए. इसमें इस तरह ऊपर 2 ड्रॉअर हैं छोटी छोटी. इसके बाद ये एक पूरा ड्रॉअर वाला सेक्शन है. ये बाहर भी निकल आती है. आप चाहें इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं. उसी तरह से लास्ट में ये एक और ड्रॉअर है. इसमें सारे ड्रॉअर्स बाहर निकल आती हैं. इसे देखिए आप, बहुत ही सुंदर लगता है. ट्रांसपेरेंट है. साथ में इसमें दीवार में लटकाने के लिए, इसको हैंग करने के लिए छेद भी इसमें दिए हुए हैं. आप चाहें तो कहीं पर भी होल करके इसके बराबर के और इसको हैंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास इनफ स्पेस नहीं है. तो ये है हमारा मेकअप ऑर्गेनाइज़र. आइए अब हम इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं. मैं अपनी सारे लिपस्टिक्स, लिप लाइनर, लिप प्रोडक्ट्स इस वाले सेक्शन में रख रही हूँ. सेकेंड वो जो छोटा सा सेक्शन है उसमें सारे मैंने अपने मेकअप ब्रशेस डाल दिए हैं. और उसी के पास मैंने जो लेंथ वाले, लंबे वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि काजल और लिप लाइनर, ये सब चीज़ें रख दी है. बाकी जो लिपस्टिक इसमें फिट नहीं हो पा रही हैं वो मैंने मूज़ वगैरह ये सब ब्यूटी ब्लेंडर और ये अपना निविया का ये सब सामान इसमें डाल दिया है. इस तरह आप देख सकते हैं कि छोटी सी जगह में कितना सारा सामान मैंने एडजस्ट कर दिया है. नेक्स्ट हमारा ये प्लास्टिक का छोटा सा 3 कंपार्टमेंट्स वाला एक ऑर्गेनाइज़र है जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है. स्टडी, काफ़ी सस्ता और छोटी सी जगह में फिट होने वाला ये एक ऑर्गेनाइज़र है. 3 सेक्शन इसमें दिए हुए हैं. बस थोड़ा लंबे सामान आप इसमें रख सकते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे. और आप चाहें तो किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक अपने चम्मच वगैरह और नाइफ एंड ऑल एंड फॉक्स वगैरह सब चीज़ें. मैं इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पर यूज़ कर रही हूँ कॉम वगैरह इसमें अरेंज करने के लिए. तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया हुआ है. आगे वाले सेक्शन में मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ें, आई प्रोडक्ट्स जैसे कि मस्कारा, आईलाइनर, सिंदूर और काजल, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं जिसको मैं जल्दी से उठाती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ. सेकंड सेक्शन में मैंने ये कॉम्ब और एक मिरर रखा हुआ है. एक छोटा सा मिरर मेरे को आईलाइनर लगाने में बड़ा काम आता है. और ये जो 3rd सेक्शन है इसमें ये मैंने लंबे वाले कॉम्ब रखे हुए हैं जो कि ओकेजनली मुझे काम में आते हैं. ये फेस रेज़र है और ये कॉम्ब और ये जो भी छोटे छोटे कॉम्ब हैं ये सब इसमें फिट किए हुए हैं जो विजिबल भी नहीं है और लंबे होने की वजह से पीछे वाले मुझे विजिबल हैं और जो काम में नहीं आते हैं वो विजिबल नहीं है. नेक्स्ट ये ऑर्गेनाइज़र है हमारा, बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है. चाहे आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, बैंगल्स हम सभी के पास होती हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करके अगर हम रखेंगे तो हम उनको उनकी शाइन ख़त्म होने से पहले यूज़ कर पाएंगे
और देखने में वो काफ़ी सुंदर भी लगेगी। तो ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है, 4 सेक्शन वाला ये ऑर्गेनाइज़र है, बट मैंने 3 में ही अपनी बैंगल्स हैंग की हुई है। ये बीच में देखिए मैंने ये सारे गोल्डन गोल्डन लगाई हुई है ताकि मैं गोल्डन को ढूंढूं तो मिल जाए, और वो फर्स्ट में थोड़ा पार्टी वेयर टाइप की डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बैंगल्स मैंने इसमें अरेंज की हुई है। ये गोल्डन वाला सेक्शन है, देखिए सारी गोल्डन मैंने यहाँ पे लगाई हुई है जब भी मुझे एक पर्टिकुलर कलर चाहिए। तो ये मेरा लाक वाला सेक्शन है, लाक के सारे बैंगल्स अपनी साड़ी और सूट से मैचिंग के मैंने रखे हुए हैं। लॉक भी इसमें एक आता है, चाहे तो लॉक करके और इसको रख सकते हैं। अंदर से पूरा वेलवेट फिनिश है इसमें। 4th सेक्शन की जगह खाली है, चाहे तो अरेंज कर सकते हैं आप। यहाँ मैंने सिर्फ 3 में ही लगाया हुआ है। नेक्स्ट जो ये ऑर्गेनाइज़र है, मेरा फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है, ये एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है, काफ़ी स्टर्डी, वेरी स्टर्डी आप इसको बोल सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर फ्लावरी प्रिंट और बाहर से लेदर मटेरियल, काफ़ी सुंदर लगता है ये, हाथ में रहने पर बहुत स्मूथ लगता है। 3 सेक्शन इसमें हैं, 1st, 2nd, 3rd आपको तीनों दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पहला सेक्शन है इसमें मैंने अपनी सारी रिंग्स, मेरी और मेरे हस्बैंड की रिंग्स रखी हुई है जो ओकेजनली हमको काम आती है, और फिर मैंने अपने 1-2 ईयर रिंग्स और ये सिल्वर रिंग्स रखी हुई है इसमें। 2nd है ये बॉक्स, इसमें मैं अपना मंगलसूत्र और पैर में पहनने वाली बिछिया ओकेजनली ये सारी चीज़ें रखती हूँ। 3rd सेक्शन है, इसमें काफ़ी सारी जगह है, फिर भी मैंने इसमें अभी बॉक्स रख के और अपने टीका नथ जो कि पूजा वगैरह में मुझे काम में आते हैं और इयर रिंग्स रखे हुए हैं। उसके बाद भी इसमें काफ़ी सारा स्पेस बचता है। अब देखिए इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, हम चाहें तो इसमें बैंगल्स भी रख सकते हैं ऊपर, और इस तरह इसको बंद करके और लॉक भी किया जा सकता है, इसके साथ एक चाबी भी आती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगी, बट ये वाले का लिंक मैं नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि ये मुझे मेरी सिस्टर ने ला के दिया था दुबई से। तो हम इस तरह के सिमिलर ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से। लास्ट ये एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है जो कि ग्रिड्स में बना हुआ आता है, ये भी स्टडी है और मैंने एक लोकल स्टोर से ही इसको ख़रीदा था अपनी शादी के टाइम, बट ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है 2-3 के सेट में। देखिए आप, इसमें मैंने अपने साड़ी पिंस और इयररिंग्स को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। खास बात तो यह है इसको बंद करने के बाद इसमें से कोई सामान गिरता भी नहीं है, खास करके ये पिंस वगैरह तो कैसे गिरेंगे। आप इसको चाहें तो लेंथ वाइज और विड्थ वाइज दोनों तरह से रख सकते हैं। मैंने अपने साड़ी पिंस और इयररिंग्स जो इसमें ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं ताकि जब भी मुझे जल्दी होती है तो फटाफट मैं इसमें से बाहर से ही देख के और उसको निकाल लेती हूँ। कुछ ऑर्गेनाइज़र आते हैं इसी तरह के, उसमें ये ग्रिड्स निकल जाती है और आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग सेक्शन बना सकते हैं और अपना जैसे नेकलेस वगैरह या कोई भी बड़ी चीज़ भी इसमें रख सकते हैं एक ही जगह पर। मेरा वाला नहीं है, थोड़ा सा सस्ता था ये, बट अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। तो देखिए मैंने इसमें अपना एक आध क्लेचर जो थोड़ा सा महंगा वाला है वो भी रखा है, और सुंदर सुंदर से साड़ी पिंस इसमें रखे हुए हैं। वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा ऑर्गेनाइज़र सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं फ्यूचर में इस तरह के और भी वीडियो लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।